ओ तो गाइस कैसे हैं आप सब। मैं शुभम और आप देख रहे हैं शुभम गेमर। तो गाइस आज हम लोग बात करेंगे पबजी मोबाइल के 0.7.0 अपडेट के बारे में, जो हालांकि एक साल पहले आ चुका है। मतलब एक साल पहले नहीं, बट इतने दिन पहले आ चुका है ये अपडेट, और मैं आज इसके बारे में बता रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप लोग सबको अभी तक तो पता चल ही होगा कि अपडेट में क्या क्या नया चीज़ है। हमारे मेन इंटरफेस के साथ थोड़ी सी छेड़खानी की गई है, जिसकी वजह से हम लोग का उंगली जहाँ जाता था वहाँ पर अब जाता है, तो वहाँ से अब गेम क्विट हो जाता है। मतलब जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते थे वहाँ से शायद गेम बंद हो जाता है या फिर कुछ और खुल जाता है। तो अब हम लोग को फिर से अपना आदत बनाना पड़ेगा एडजस्ट करने में। तो गाइस आप लोग के मन में ये भी होगा कि मैं एक हफ्ते से किधर था, एक दिन भी मैंने वीडियो नहीं डाला। अब ये मतलब नहीं है कि मैंने वीडियो डाला नहीं, तो इसका मतलब मैंने वीडियो डालने का कोशिश नहीं किया। मैंने बहुत ट्राई किया बट नहीं हो पाया। इसका रीज़न ये था कि स्कूल्स में थोड़े टेस्ट वगैरह चल रहे थे, थोड़ा उसमें ध्यान देना पड़ता था। और पबजी अभी मैंने ऐसा कंटेंट चूज़ कर लिया ना, मतलब इसमें थोड़ा सा सोच के नहीं होता, अब पूरा एक बार सोचना पड़ता है हाँ ऐसा ये होगा ऐसा वो होगा, और अच्छे अच्छे क्लिप्स रिकॉर्ड करना पड़ता है पबजी मोबाइल खेल के। तो ये सब पूरी इतनी सारी हम लोग की दुख भरी कहानी है, तो हमें करना पड़ता था, तब एक जाके वीडियो तैयार होता है। तो गाइस जो 0.7.0 अपडेट है, इसमें जो मेन चीज़ आया वो है वार मोड। जो वार मोड जो चीज़ है ना यार, बहुत ही ज़्यादा सही चीज़ है। जब ये पबजी मोबाइल में नहीं आया था, मैंने थोड़ा सा पबजी पीसी में भी खेला था, पर वो वाला वार मोड और यहाँ का वार मोड जो पबजी मोबाइल में जो मज़ा आता है ना, वो पीसी में नहीं आता। और अगर जिसको पीसी में खेलना ही नहीं आता, वो तो ऐसे ही बात बोलेगा कि पबजी मोबाइल में ही मज़ा आता है। तो गाइस पता है आप लोग ने एक और चीज़ मिस कर दिया, जो है मेरा इंट्रो। आप लोग जानते हैं मैं आ रहा हूँ 7 दिन के बाद, पर 7 दिन के बाद आ रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो नया लेके आऊँगा ही। तो गाइस इस बार मैं लेके आऊँ एक बहुत ही सही सा इंट्रो, जो मेरे को एक बंदा मिला जो बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल इंट्रो वगैरह बना देता है। तो आप लोग उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। अगर आप एक क्रिएटर हो तो आप उससे जाके बात करके एक नया इंट्रो बनवा सकते हो। तो आप मेरा इंट्रो नया वाला देखो। तो गाइस बताओ आपको कैसा लगा ये मेरा एक नया इंट्रो। ये बहुत ही सही सा इंट्रो एक ये जो बंदा है उसने मुझे बना के दिया था। तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका जो भी पता होता चाहिए आप जाके देख सकते हो। अगर आपको आप भी एक यूट्यूब क्रिएटर हो तो आप उससे जाके एक अच्छा सा इंट्रो बना सकते हो। तो गाइस चलिए हम लोग आते हैं अपने पबजी मोबाइल के 0.7.0 अपडेट में। जो इतना सा इंटरफेस जो होता है यूज़र इंटरफेस, वो बहुत ही सारा सब कुछ चेंज हो चुका है, और हमें मिला है वार मोड। मैं आपको थोड़ा सा वार मोड का गेम प्ले भी दिखाऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अगर जो लोग क्लैश ऑफ क्लैंस के इतने बड़े फैन हैं, उनके लिए एक बहुत सही सा बात आया है पबजी मोबाइल में, जो है क्लैंस। आप एक बार सोच के देखो, क्लैश ऑफ क्लैंस में क्लैंस क्या सही एकदम रोल प्ले करता था। अगर आप लोग सोचो वही चीज पबजी में आ जाए, तो वो तो एकदम गेम का मतलब क्लैन का मतलब ही बदल देगा। आप लोग एक बार सोच के देखो, हम लोग अगर सोचो वार मोड हम लोग के साथ हुआ, वार हुआ 50 vs 50 का वार, एक आप सपोज करो एकदम सबको 50-50 आ गए और एकदम वार हो रहा है, तो बहुत ही मज़ा आएगा। कुछ भी जो इनोवेशन पबजी मोबाइल वाले लेके आएंगे बहुत सही लेके आएंगे, पर अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक इंडिया का बहुत सही सा एक क्लैन बनाया जाए। पर अभी मैं ये वीडियो में नहीं बना रहा, बट मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे एक क्लैन का बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही ज़्यादा यूनिक नाम बताओ कमेंट सेक्शन में, जो मेरे को बहुत ज़्यादा सही लगेगा, मैं वो नाम से क्लैन बना दूंगा। और आप लोग सबको एक एकदम ओपन इन्वाइट है, हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें सब अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए और इसको बहुत अच्छा से ग्रो कर दे, और हम लोग सबको एक साथ में मिलके एक वार, जो भी अगर आगे में जो क्लैन का जो भी नया आइडिया पबजी वाले लेके आते हैं, वो जो भी नया आइडिया होगा वो बहुत सही होगा। तो हम लोग अभी से ही तैयार रखते हैं क्लैन बना के, ठीक है ना। तो गाइस जो हम लोग का वार मोड है वो मैं अब आपको थोड़ा सा खेल के दिखाता हूँ। इसमें हम लोग को बहुत मज़ा आया। मैं ये बंदे को मार रहा था ड्रॉप के सामने 12 किल्स के साथ, इतना हीरो बन के मार रहा था, और वहीं पता चलता है कि AWM से मुझे कोई हेडशॉट मार दिया, और मुझे तब से मैं AWM ही ढूंढ रहा था और मुझे AWM मिला नहीं। तब क्या, अब तो ये AWM वाले की बलि चढ़ी। मैं हीरो जैसा ऊपर से उठते आया और उसको ऐसे मारा कि बेचारा वो एकदम खलफला गया। अब जाए तो जाए किधर, वो मैं इसे भागने का कोशिश किया, पर वो सोचा कि अब तो मैं फंस गया हूँ चारों तरफ से। वो अपना AWM से मुझे मार रहा था, तभी उसने एक सब मशीन गन निकाला UMP9 और उससे मुझे मारने का कोशिश किया, पर ये नहीं बच पाया। क्या आपको लगता है यहाँ पे कहानी ख़त्म हो गई? नहीं, यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं हुई। ये या फिर इसके दोस्त अभी AWM लेने वापस आएंगे, ज़रूर आएंगे। इसलिए मैं यहाँ पे अभी जैसे कि मैं अपने आप को हील कर ही रहा था, वैसे मुझे पता चलता है कि आगे एक बंदा ऊपर आ रहा है। वही था या फिर उसके दोस्त थे, मुझे पता नहीं। शायद मुझे लग रहा उसके दोस्त, तो मैंने क्या किया, एक बम फेंक दिया पुटुक से, तो वो अब वो डर गया होगा। अब वो जैसे ऊपर आ ही रहा था कि वैसे मर गया। नहीं मरा, मुझे लगा मर जाएगा पर मरा नहीं, तो ये वैसे ही आ गया। वो देखा कि बम फटा और ये अब अचानक से ऊपर घुसता गया, मैंने वापस इसको मार दिया। बेचारा ये अपना AWM लेने आया था और वैसे ही मुझे वो दे दिया एक और सही सा गन, और वो है मशीन गन। मतलब मुझे बैठे बैठे सब कुछ ये दिए जा रहा था, ये बहुत ही सही सा चीज़ ये कर रहा था।
तो गाइस बाद में जब मैंने सोचा चलो हम लोग वार मोड वापस खेलते हैं, तो मैं एक घर में खड़ा था और यहाँ पे मेरे दोस्त को बार बार ये लोग मारे जा रहे थे। तो मैंने क्या किया, एक शॉट गन लिया और सबको मारने चल पड़ा। और जब मैं ऊपर जा ही रहा था कि एक बंदा दिखा, तो मैं वापस से भाग गया नीचे, पर मैं डरा नहीं, मैं वापस गया वो लोग को मारने, सबको मार ही दिया था। और उसने मैं यहाँ पे फंस गया था, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कूदा हूँ, मैं यहाँ पे फंस गया, इसने मुझे बॉम्ब से मार दिया। मैंने बोला मेरे दोस्त मुझे बचा, मुझे बचा, मैं इन लोग को बताता हूँ, मुझे बचा। और ये मेरा दोस्त मेरे को ही शॉट मार रहा था K98 के से। वाह क्या दोस्त पाया है। और ये मुझे रिवाइव कर दिया, मैं तो अब तो गया। ये लोग आते के साथ उसको हेडशॉट, ये बंदा को मरा। अब ये लोग जिसने मुझे मारा था, अब ये लोग की तो खैर नहीं। हेलो फ्रेंड्स, पीछे भी देख लो, आगे क्यों देख रहे हो, थोड़ा पीछे देख के भी मार लिया करो, नहीं तो यही होगा। इतने अच्छे से गन लेके, Level 3 का हेलमेट पहन के इतना सबको मरवा लिया ना अपने टीम को, कहाँ छुप रहा है, वहाँ पे क्या, वहाँ पे मुझे दिखोगे नहीं क्या तुम? तो यहाँ पे ये सारे लोग मर तो गए। तो ये बहुत सही सा हुआ था। तो गाइस ये सब करने के लिए मुझे वार मोड बहुत सही लगता है, क्योंकि चकमा देने में ही तो मज़ा आता है। तो गाइस पबजी मोबाइल का एकदम मज़ा लो, आराम से खेलो और एकदम सही से टेक्निक सीखो, जिसकी वजह से आपको खेलने में ज़्यादा मज़ा आए। तो यार यही सब कुछ 0.7.0 अपडेट में, और हम लोगों को और नए नए स्कोप्स मिले, 3X स्कोप, 6X स्कोप और कुछ ग्रिप, 2 नए ग्रिप्स भी मिले। तो ये सब आप लोग देखे ही होंगे, आप लोग नहीं देखे तो ट्रेनिंग मोड में जाके देखो ना, मैं सब कुछ दिखाऊंगा आपको, जो मेन मेन चीज़ था मैंने आपको दिखा दिया। तो गाइस आज का वीडियो तो यही था, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगता तो आप डिसलाइक कर सकते हो। ऐसी बहुत सारे पबजी और बहुत सारे गेम्स के वीडियोस मैं हर एक दिन लेके आता हूँ, हालांकि अभी मैं नहीं ला पा रहा हूँ, पर मैं कोशिश करता हूँ हर एक दिन वीडियो लाने का। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके सामने जो बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर देना। तो उससे क्या होगा, जब भी मैं एक नया वीडियो लाऊंगा तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप आके देख भी लोगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारी मस्ती के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय।